आज मैं आपके साथ मेरा इवनिंग रूटीन और मिर्ची के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है तो ऐसे मौसम में चाय तो बनती है। एक कप पानी लिया है और पानी को उबाल आते ही इसमें अदरक डालेंगे। दो इलायची और दालचीनी को दरदरा कूट रही हूँ। अब इसमें 1.5 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। चाय को अच्छा उबाल आने के बाद ही जो मिल्क हमने गर्म करने के लिए रखा था मिल्क को डालते हैं, और मिल्क को अच्छा उबाल आने के बाद ही चाय में डालेंगे, ये बात याद रखिए, इससे टेस्ट और भी बढ़ता है। अब मेरी चाय भी बन गई है तो चाय का मजा बारिश को देखते देखते ही ले रही हूँ। देखते देखते अंधेरा भी हो गया है तो अब मैं सभी रूम्स की लाइट शुरू कर देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ मिर्ची का सालन। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। सालन बनाने के लिए हमेशा यही मिर्ची लेनी चाहिए। ये मिर्ची वैसे तो बिल्कुल तीखी नहीं होती है, पर हम इसके बीज निकाल के इसे कट कर लेंगे। 3 चम्मच मैंने मूंगफली ली है, इसे भी हम रोस्ट करेंगे। तिल 1 चम्मच लिया है, इसे भी हम रोस्ट करेंगे। इस नारियल बुरादे को भी थोड़ा भून लेंगे। खसखस 1 चम्मच भुनेंगे। 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच जीरा डाल के इसे भून के निकालेंगे। अब उसी पैन में थोड़ा प्याज को ऑयल डाल के भून लेंगे। अब डालते हैं 1 चम्मच ऑयल और इस मिर्ची को हल्का फ्राई कर लेंगे। जो हमने तिल मूंगफली भून लिया था उन सभी को पहले बिना पानी के पीस लेंगे। अब प्याज और पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही राई, जीरा, कलौंजी और करी पत्ता डालेंगे। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इस तरह इसे मिलाएंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था उसे अब इसमें डाल के फिर से मिलाएंगे। और अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल के ढक्कन लगाकर मसाला थोड़ी देर पकने देंगे। मसाला पक गया है, अब मिर्ची डालेंगे और यहाँ मैं गरम पानी डाल रही हूँ और 3-4 मिनट इसे पकने देंगे।
अब इमली का पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसे भी 5 मिनट तक पकने देंगे। अब धनिया पत्ता डाल के इसको हम राइस, रोटी या बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं, अपनी अपनी पसंद है। मैं तो इसे प्लेन राइस के साथ सर्व करूँगी। कभी कभी कुछ हमें अलग अलग सब्जियाँ ट्राई करना चाहिए। हमारा खाना होने के बाद किचन को क्लीन करती हूँ। डेली मैं नाइट में ही बर्तन को क्लीन करके रखती हूँ ताकि मेरा मॉर्निंग का काम इजी हो सके और काम जल्दी हो। किचन भी क्लीन हो गया है। मैं हमेशा नाइट में ही बेटे का स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करके रखती हूँ। इधर बेटे की स्टडी भी शुरू है। मेरे बेटे का हिंदी का होमवर्क ले रही हूँ मैं। अब मेरे सब काम हो गए हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग की भी तैयारी हो गई है। तो आज का रूटीन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।